हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का हमारा भाई टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड। जी हाँ, हम फिजिकल वर्ल्ड आज पढ़ने वाले हैं। फिजिकल वर्ल्ड हमारा पूरा एक चैप्टर है, क्लास 11th का चैप्टर 1 है। तो इस फोटो को देखकर ये मत समझना कि हम बोर्ड पर नहीं पढ़ने वाले। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ, रुक करते हैं, वीडियो चालू करते हैं। चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का जो हमारा वीडियो है भाई, वो है फिजिकल वर्ल्ड जो, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? हमारे फिजिक्स का चैप्टर 1 है। फिजिक्स का चैप्टर 2 का पहला पार्ट आपके पास पहले ही पहुंच चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए, और ऊपर आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं चैप्टर के अंदर क्या क्या है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन को जब हम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर पांच चीजें मेनली हैं, ठीक है। वरना है तो इसमें बहुत सारी चीजें। हमारे सीबीएसई बोर्ड ने इस चैप्टर को काट रखा है वैसे तो, है ना। ये चैप्टर हमें पढ़ने के लिए दिया नहीं है, पर ये चैप्टर हमारा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये हमारा चैप्टर? हमें फिजिक्स से प्यार करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली 5 चीजें पढ़नी है। वो है टाइप्स ऑफ साइंस, टाइप्स ऑफ फिजिक्स, मैग्नेटिज्म एंड रिडक्शनिज्म, फिजिक्स सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, 4 फंडामेंटल फोर्सेस। यानी कि आप अपनी 5 उंगली खोल लीजिए, हर एक उंगली का एक टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड। तो ओके, चालू करते हैं अपना। तो शुरुआत में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस की टाइप, ठीक है। साइंस क्या है? साइंस हमारा नॉलेज है। साइंस हमारा नॉलेज है, हमें पता करना है साइंस क्या है। मतलब हमको नेचर के बारे में पता करना है। हम इससे कुछ एफर्ट्स देते हैं नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। साइंस से हम कुछ एफर्ट्स देते हैं। हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी पढ़ा था साइंस के डेफिनेशन, वो भी यही कहती है कि साइंस कुछ एफर्ट्स हैं डिस्क्राइब करने के लिए नेचर को, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए नेचर को। अब भाई साइंस को हमने फिर डिवाइड कर दिया 2 जगह, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस होता है जिसमें हम लिविंग बींग्स की बात करते हैं, लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं, है ना, लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में केवल बायोलॉजी आता है, ठीक है। और बायोलॉजी से फिर डिवाइड हो जाती है बहुत सारी ब्रांचेस, ठीक है। बायोलॉजी से फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। अब आगे की बात करें फिजिकल साइंस की। फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस है हमारा फिजिक्स, एक तरीके से फिजिकल साइंस मेनली फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिकल साइंस में हम नेचर के बारे में ज्यादातर बात करते हैं। तो फिजिकल साइंस को भी हमने डिवाइड कर दिया केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी है मॉलिक्यूल्स का। रॉल्ड हॉफमैन जी ने कहा था स्टडी है मॉलिक्यूल्स का केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है स्टडी नेचर का। यहीं पर बात निकल के आई, फिजिक्स किसका स्टडी है? नेचर का, स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। यानी हम कह सकते हैं फिजिक्स इज नेचर, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द नेचर, ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द नेचर। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। तो भाई अभी हमने 2 उंगलियां कवर कर ली, अभी 3 उंगली बची हैं, उन्हें अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 2। तो उस वीडियो के आने तक भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 2 आपको मिल जाए, और साथ ही साथ बाकी की वीडियो भी मिल जाए, सेट्स की वीडियो मिल जाए, ठीक है। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।